मेमोग्राफी ब्रेस्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को व्यू करने के लिए यूज़ किया जाता है इस टेस्ट के द्वारा इंटरनल जो टिश्यूज़ हैं तो उसमें क्या लम्स है या फिर पैल्पेबल या नॉन पैल्पेबल स्ट्रक्चर्स है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं साथ ही इसका ज़्यादातर इस्तेमाल ब्रेस्ट कैंसर के डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है मैमोग्राफी में एक्सरेज का यूज होता है और ये काफ़ी लो इंटेंसिटी का एक्सरे बीम यूज करते हैं कंप्रेशन पैडल यूज करके एक फ्लैट स्ट्रक्चर बनाया जाता है जितना हो सके और फिर एक रेडिएशन लिया जाता है उसके बाद एक फ्लैट इमेज आ जाता है पीछे की तरफ एक लीड शील्ड ग्लास रहता है ताकि जो टेक्नोलॉजिस्ट है जो कि टेक्नीशियन है बार बार एक्सरे का उस पर इफेक्ट ना आए इस टेस्ट में टेक्नीशियन का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है और ये कंटिन्यूस पेशेंट से फीडबैक लेते रहता है कि उसको कहीं दर्द हो रहा है कि नहीं या पोजीशन बराबर है कि नहीं तो उसका ये जानकारी लेते रहता है तो अब हम देखेंगे कि असली में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी अंदर में क्या है क्योंकि कोई भी मेडिकल इमेजनिंग के लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है इसमें मेजरली सब सॉफ्ट टिश्यू ही है हार्ड टिश्यू बोनी स्ट्रक्चर्स यहाँ पर कुछ भी नहीं है यहाँ पर सब पहले पेक्ट्रोल स्मर मसल्स है उसके बाद पेक्ट्रोलियस मेजर मसल्स है उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो सबकटनीस फैट पैड है फिर एरियोलर है फिर निप्पल्स है दैन लोबलर ऑफ मेमरी ग्लैंस फिर लैक्टिफ्रियस साइनस दैन चेस्ट वॉल फिर पेट्रोलियस फैट पैड फिर रिब फिर स्किन ये रिपकेच के आगे का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो यहाँ के उसके अंदर में कोई भी बोनी स्ट्रक्चर नहीं है तो इस तरह के टिश्यू को इमेज करने के लिए हम काफ़ी लो बीम वाला लो इंटेंसिटी वाला एक्सरे यूज करते हैं जो कि ऊपर से पेनिट्रेट होकर नीचे की तरफ जाता है और ग्रिड लाइन से होकर नीचे की तरफ आता है अब देखते हैं इसका इंटरनल वर्किंग यहाँ पे हम देखेंगे कि ऊपर में एक्सरे ट्यूब है ऊपर में एक्सरे ट्यूब से एक्सरे जनरेट होकर नीचे की तरफ आएगा फिर ट्यूब पोर्ट मिलेगा उसके बाद फिल्ट्रेशन होगा कोई भी अनटेड जो रेडिएशन रहेगा यहाँ फिल्टर आउट हो जाएगा फिर कोलिमेशन होगा कोलिमेटर के द्वारा फिर कॉम्परेशन पैडल्स हैं ये जो है ये टिश्यू को एडजस्ट करने के लिए है तो एक फ्लैट स्ट्रक्चर हो जाएगा ताकि ऊपर से जो एक्सरे है उसका एक इमेज अच्छी तरह से आ सके यहाँ पर ग्रिड है और उसके बाद एक्सरे कैसेट और डिटेक्टर रहेगा जो कि एक्सरेस को इलेक्ट्रिकल इमेजेस के कन्वर्ट होगा फिर इलेक्ट्रिकल इमेजेस से जो ह्यूमंस जो ह्यूमन समझ सके वो ऐसे इमेज़ में कन्वर्ट कर दिया जाएगा कॉम्प्रेशन पैडल्स यूज़ करते वक्त टेक्नीशियन जो है हर वक्त पेशेंट से फीडबैक लेता रहता है कि कॉम्प्रेशन कैसा है ज़्यादा तो नहीं है और उस हिसाब से इमेजेस भी लेना चालू रहता है सी या डी का इस्तेमाल करके इमेजेस जनरेट की जाती हैं और उसके बाद जो है रेडियोलॉजिस्ट जो है इन इमेज़ को इंटरप्रेट करता है सारी जानकारी जो है इसमें कंट्रास्ट कभी चेंज करके अगर कोई लीजनस है लंप है इसके बारे में जाना जाता है मैमोग्राफी इज यूज़ टू व्यू द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द ब्रेस्ट एंड विच इज हेल्पफुल इन गेटिंग द मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी एंड ग्रॉस पैथोलॉजी ऑफ द ब्रेस्ट मैमोग्राफी इज यूज्ड प्राइमली टू डिटेक्ट एंड डायग्नोइज ब्रेस्ट कैंसर एंड टू इवैल्यूएट Palpable masses and non-palpable lesions. A mammography machine uses low draws of X-rays when these X-rays come from the X-ray tube and these are very low intensity in X-rays and these go into the compression paddles where the breast are flattened up and the tissue are spread up and the images are intaken. Now, in the back side of this machine, there is a lead shield so that the x-ray current penetrate frequently to the operator and there in that place the operator operates the machine. In medical imaging, it is very necessary to know what tissue we are imaging. Depending on that tissue, the machines are designed, and depending on that, the X-ray intensities and other parameters are designed in the machine. Now we will be seeing the basic anatomy and physiology of the breast. This mainly consists of soft tissues and when we start from the front from the upwards we can see pectoralis minor muscles over here so just after the rib cage it starts then pectoralis major muscles then subcutaneous fat then areola then nipple then lobes of mammary glands then lactiferous gland sinus and chest wall pectoralis fat pad rib and skin so when we used see the structure so there is no bony structure inside after ricochet, there is total soft tissue. So, for imaging such kind of tissues, we use low intensity of X rays as there are no bones for to penetrate. So, with low intensity beam of X rays, we can have the image. Now, we will be seeing the internal working of the machine. So, from the upwards, there is the X ray tube, then there is a tube port from where the X ray comes out, then there is a filtration. So, any unwanted radiation gets filtered over here. Then there is a collimation, collimator which is present. Then there are compression paddles. This compression paddle press the breast and make a flattened area so that the image can be taken. So this X-ray falls on the grid, and for taking the information, we have X-ray cassettes or X-ray detector. So from there, the X-ray image are converted to electrical signals, and electrical signals into visually understandable images in this the technician also plays an important role she continuously takes feedback from the patient upon, depending upon the pressure that is applied through the compression paddles the images are then taken and these medical images are then studied by the trained radiologist and depending on the information that is captured the further diagnosis is done in this cr and dr both modes are available for taking the images